नमस्कार, मैं अनुज और आप देख रहे हैं फोर पिलर लाइव। मैं आपको बता दूं कि बिहार विधान परिषद के चुनाव को लेकर काफी सरगर्मी बढ़ चुकी है सभी दलों। ऐसे में पटना में एमएलसी चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। राजद के कार्तिक कुमार और जदयू के वाल्मीकि सिंह के बाद बाढ़ के कर्णवीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया ने भी अपना दावा ठोका है। लल्लू मुखिया ने आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ नामांकन किया है, वहीं आम जनता के लिए अपनी प्राथमिकता गिनाई है। क्या ऐसा लगता है कि ये बाहुबली और इतने दिग्गज लोगों के बीच आप निर्दलीय में आए? सबसे पहले तो आप जो कह रहे हैं कि मुख्य कैंडिडेट कोई मुख्य कैंडिडेट नहीं होता है। यहाँ सबका मान सम्मान, सभी का अधिकार बराबर है, सभी का लड़ने का अधिकार है। कोई पार्टी से लड़ता है, कोई निर्दलीय लड़ता है, लेकिन मुख कोई नहीं होता है। आज आप पहला नंबर, आज आप नामांकन किए हैं, क्या मुख्य एजेंडा है? मोबाइल बांटिए। देखिए, शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी, किसान का जो अभी देखिए रहे हैं कि कितना में डीएपी मिल रहा है, कितना में यूरिया मिल रहा है, और उसके साथ साथ कोई भी जो भी जनप्रतिनिधि जीत करके आए हैं, मुखिया जी और जो भी इलेक्टेड मेंबर हैं, अगर किसी भी प्रकार का उनको कहीं भी समस्या होगा तो उनका समस्या सदन में गूंजेगा। आप तो अगर महिलाओं का आवाज को बुलंद करेंगे, सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, यहाँ बहुत सारा मुद्दा है, तब उस मुद्दा में जो पहला प्रायोरिटी होगा उसको किया जाएगा। और सबसे पहले शिक्षा है, चिकित्सा है, बेरोजगारी है, तो इन सभी चीज पर विशेष रूप से सबसे पहला प्रायोरिटी मेरा। हम लोग धारणा पब्लिक को इग्नोर करते हैं, तो ये इस शिकायत को आपके जीत के बाद कैसे दूर किया? इसीलिए तो यहाँ मालिक नहीं चुन कर करके सेवक चुन रहे हैं सब लोग। जहाँ मालिक चुना जाते हैं वहाँ पर इधर भी उनको कोई सेवा करने वाला नहीं मिलता। इसलिए सर्वो समाज के इलेक्टेड मेंबर इस बार अपना सेवक चुन रहे हैं और अपना सेवक के साथ दे रहे हैं। ठीक है, ये अभी जो पटना जिला में जो वोटर है उसमें तो उन लोग के विषय में तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जो भी महिला हैं और जो भी पुरुष हैं, किसी पार्टी बेसिस पर पंचायती राज का इलेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए सभी लोग अपने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो कर्णवीर सिंह यादव और लल्लू मुखिया खड़ी हैं, उनके साथ उनके सर पे आशीर्वाद देकर महिला वोटर के लिए क्या एजेंडा होगा? ठीक रहे हैं, वो डिसीजन लेने का भी अधिकार उन्हीं के हाथ में, वो जिधर कहेंगे, जहाँ कहेंगे वहाँ हम जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। फोर पिलर लाइव से मैं अनुज कुमार।